उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बीते 5 साल पहले अदालतों में चल रहे मुकदमे की सजा से बचने के लिए एक युवक ने अपनी ही हत्या की साजिश रच डाली और विरोधियों को हत्या के आरोप में जेल भिजवा दिया। मृत घोषित ये शातिर अपराधी जिंदा निकला। आपको बता दें कि बीते 5 साल पहले हमीरपुर जिले में मोहदहा थाने के भवानी गांव के पास अधजली लाश मिली थी, जिसको अपराधी के पिता और भाई ने उस लाश की पहचान बिंडोला के रूप में की थी। साथ ही 3 विरोधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर मोदहा थाने की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब जब शातिर अपराधी बिंडोला महोबा जेल में जिंदा मिला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस कोर्ट से उसका रिमांड लेकर पता लगाएगी कि वो लाश किसकी थी। फिलहाल पुलिस ने अपराधी के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके साथ ही भाई की तलाश शुरू कर दी है। अच्छा, आपको एक अपराधी के हत्या में बेगुनाह जेल भेजा गया था, क्या है पूरा मामला? उसमें साहब ये है कि उसने दूसरी हत्या करके हमको 3 लोगों को झूठा फंसा दिया गया और ये अपना फरार हो गए थे। हम 3 लोग जेल से। कौन कौन 3 लोग? श्री रतिया, महावीर, भगवान जी। मुझे फंसाया गया, मेरे भाई को फंसाया गया, मेरे पिताजी को फंसाया गया, मार के वो फरार हो गए। गलत फंसे। जिंदा है वो? जिंदा जिंदा है, तैनात है थाने में। ये है दिनांक 16 मई 2015 को एक कथित मृतक बिंदादीन उर्फ बिंडोला पुत्र मंगी निवासी खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा की हत्या ग्राम भवानी थाना मौदहा में किए जाने के संबंध में मौदहा पर उसके भाई हरिदास की तहसील तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 596/15 302/201 IPC में पंजीकृत किया गया था, जिसमें भगवान दीन भाऊ रतिया ये लोग नामजद थे। इसमें मृतक का चेहरा जल गया था और ख़राब हो गया था, लेकिन उसके भाई और पिता द्वारा पहचान करके बताया गया कि ये मृतक ही है। इसमें 3 नामजद जेल चले गए थे। 9/6/2018 को जो मृतक बिंदादीन बता रहे हैं, कथित मृतक बिंदादीन, उसको खन्ना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 13/18 धारा 395/397 डकैती में गिरफ्तार किया। तब पता चला कि ये जिंदा है। इसके बाद इसमें विवेचना में नया मोड़ आया तो ये पता चला कि इसने कोई आदमी को ले आके, अज्ञात व्यक्ति को अपने साथ कहीं से ले आके मार दिया, मार के उसको जला के और अपनी मृत्यु का षड्यंत्र रचा के दिखाते हुए उसको घटना को दूसरा रूप दिया गया और अपने विरोधियों को इस पर फंसा दिया गया। विरोधी लोग जेल गए थे, जेल से छूट के आए बाद में जमानत पर, और अब इस ये जेल में है, महोबा जेल में। इसके विरुद्ध 30-35 मुकदमे हैं जिनमें विचारण चल रहा है और इस केस में विचार चल रहा है। इसके पिता को भी इसमें गिरफ्तार किया गया यहाँ वाले मामले में और इसका जो भाई वादी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में लगातार तारीख पड़ रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर हम लोग चाहते हैं कि ये शिनाख्त कराई जाए कि ये किसको कहाँ से लाया था, मारा था किस प्रकार से, वो व्यक्ति कौन था जिसकी लाश थी। वो इसी के लिए हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार तारीख पड़ जाने के कारण बहस हो रही है, उसमें तारीख पड़ जा रही है, इसलिए अभी पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिल पा रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाने पर पूछताछ करके स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। ये पता नहीं चल पाया वो लाश किसकी थी? नहीं, वही पुलिस जली हुई लाश मिली थी। नहीं, अभी तक नहीं पता चल पाया है। कहीं ये रहता था, कुछ हल्की फुल्की जो जानकारी उसके हिसाब से कहीं ये रहता था बाहर, वहीं से किसी को लाया है अपने साथ।